भगवान के द्वारा चल रहे हैं। जिन्हें ही निरख मग सापन बीची तजही विषम विष तामस तीछी। प्रमाण है, घोड़े चलने लगे साहब। अब जैसे ही घोड़े तैयार हुए, चलने की तैयारी हुई, लक्ष्मण जी महाराज खड़े हो गए। भैया भैया भैया, भगवान ने कहा चुप कर, ज्यादा क्यों बोलता है, क्या बात है। लक्ष्मण जी ने कहा बात यह है कि ये आप आगे बढ़ रहे हैं, यात्रा प्रारंभ। हाँ आगे जा रहा हूं, तू भी चल। हाँ मैं तो चलूंगा, लेकिन दो मिनट का मौका दे दो। तो भगवान ने सोचा हो सकता है कि नित्य क्रिया से निवृत्त होना चाहता होगा, इसलिए कह रहा दो मिनट का। भगवान ने कहा क्या बात है, दो मिनट का मौका क्यों ले रहा। लक्ष्मण ने कहा इसलिए ले रहा हूं, ये सब सो गए हैं, इनको जगा दूं। लक्ष्मण जी ने कहा ये सब सो गए हैं, इनको जगा दूं। भगवान ने कहा चुप कर, बड़ी मुश्किल में तो ये सो पाए, इनको सुलाया, वो तू जगाने की बात कर रहा है। लक्ष्मण जी बोले जब हम और आप चल देंगे, ये बाद में जागेंगे तो ना जाने क्या विडंबना होगी, इनकी क्या निर्णय लेंगे। हो सकता है भैया आपके वियोग में शायद ये प्राण त्याग भी कर दें, तो बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण मरने का और जीने का एक विधान है बना हुआ है, उस विधान के अनुसार ही व्यक्ति जन्म लेता है और उस विधान के अनुसार ही व्यक्ति का मरण होता है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया एक निवेदन कर रहा हूं कि इनकी गलती क्या हो गई। भगवान राम ने कहा तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा इनकी गलती क्या हो गई। लक्ष्मण जी बोले मेरी समझ में तो यही आ रहा है, इनकी यही गलती है, ये सो गए, यही गलती है, सो गए। भगवान राम बोले ये सो गए तो हम इनसे खो गए, अगर ये सोते नहीं तो हम खोते नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा मेरी समझ में आ गया कि आप सोने वालों को छोड़ के चले जाते हैं, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि 14 वर्ष तक अब जंगल में सोऊंगा ही नहीं, इसी तरह आप मुझे भी छोड़ करके चले जाएंगे, अब नहीं सोऊंगा। समझ में आ गया कि आप सोने वालों को छोड़ करके चले जाते हैं। 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी बोलो सोए क्या। लक्ष्मण जी सोए नहीं 14 साल तक। लक्ष्मण जी ने अन्न जल का भी त्याग किया साहब, निद्रा का त्याग किया, नींद नारी भोजन पर हरई। कहिए तात सो तृण समसिद्ध तीन गुण त्यागी, नींद नारी भोजन पर हरई। नींद नारी भोजन, कोई भी वैरागी हो, कोई भी त्यागी हो, चाहे जितना बड़ा महात्मा हो, प्यारे वो स्त्री का त्याग कर सकता है, भोजन का भी त्याग कर सकता है, लेकिन नींद का त्याग नहीं कर सकता है। बोलो भाई नींद का त्याग। अरे 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन महीना भर तक नींद का त्याग करेगा, हमेशा हमेशा के लिए नींद का त्याग कर दे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष तक निद्रा नहीं ली, इसलिए उनको विरागी नहीं कहा गया है, परम विरागी। कहिए तात सो परम विरागी, तृण समसिद्ध तीन गुण त्यागी। लक्ष्मण क्या है, बोले परम विरागी है, परम विरागी। आज लक्ष्मण जी महाराज प्रतिज्ञा कर चुके हैं, रथ में प्रभु राम किशोरी जी लक्ष्मण जी बैठ गए, सुमंत जी महाराज रथ को चला रहे हैं। खोज मार रथ हाको ताता, सारथी नहीं है कोई, सारथी सुमंत जी ही बने, प्रधानमंत्री स्वयं सारथी बना हुआ है। श्री राम जी का रथ प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं, राज आज्ञा है, महाराज दशरथ ने आज्ञा दी है, प्रधानमंत्री सारथी की जरूरत नहीं है, तुम सारथी बनो, इसलिए रथ को ले जाओ। प्रधानमंत्री जी को अभिमान हो गया सुमंत जी को, क्या अभिमान हुआ कि अपने पिता से भी ज्यादा प्रेम प्रभु मुझसे करते हैं, प्रजा से भी ज्यादा प्रेम प्रधानमंत्री से करते हैं,
राष्ट्रपति से भी ज्यादा प्रेम प्रधानमंत्री से करते हैं, इसलिए अयोध्या के सम्राट का त्याग कर दिया, अयोध्या की प्रजा का त्याग कर दिया, लेकिन अयोध्या के प्रधानमंत्री का त्याग नहीं किया, इसलिए मुझे जगाया भी है और मुझे साथ भी ले जा रहे हैं। यह अभिमान किसको हुआ? प्रधानमंत्री सुमंत को। गोमान गोविंद ही भावत नहीं, भगवान को अभिमान नहीं है पसंद, याद रखना, चाहे कोई भी हो, भगवान को अभिमान पसंद नहीं, अभिमान कभी करना ही नहीं चाहिए, अभिमान सबसे खतरनाक राक्षस है। आज अभिमान आ गया सुमंत जी को कि सम्राट का त्याग किया, प्रजा का त्याग किया, यहां तक कि गुरुदेव भी साथ नहीं आए, गुरु को छोड़ करके चल दिए प्रभु राम, लेकिन प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ा है। तमसा नदी के तट पर सारे लोग सोते रह गए, मुझे जगाया गया है, मुझे साथ ले जा रहे हैं, इसका मतलब है कि मुझसे अधिक प्रेम करते हैं। भगवान समझ गए प्रधानमंत्री जी को अभिमान आ गया है। आगे गंगा जी का तट आया, जैसे गंगा का तट आया भगवान रथ से नीचे उतर गए। प्रधानमंत्री जी ने कहा महाराज बैठे रहिए, उतरने की जरूरत नहीं। क्यों? इसलिए कि ये जो घोड़े हैं ना, ये जल चलही थलही की नाई, ये जल में थल की तरह चलते हैं, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी गंगा पार करेगा ये रथ, अभी अभी गंगा पार करेगा रथ, उतरने की जरूरत ही नहीं। भगवान ने कहा कि मैं इसलिए उतर गया हूं क्योंकि अब मैं आपके साथ नहीं जाना चाहता, और इसलिए उतर गया हूं कि अब मैं आपको यहां से वापस कर रहा हूं, आप जाइए रथ को लेके जाइए। अब साहब उदास हो गए सुमंत जी। सुमंत जी ने कहा अरे हो क्या गया ऐसा, क्या मेरे रथ के संचालन में कोई कमी आ गई? याद रखना, रथ के संचालन में कमी नहीं आई, विचारों में कमी आ गई। क्यों भाई, किसमें कमी आई? विचारों में कमी आ गई। एक बात आपको बताएं, भोजन बन गया है साहब, लेकिन बनाने वाले ने अगर भोजन प्रेम से नहीं बनाया है तो उस भोजन में पाने वाले को स्वाद नहीं मिलेगा। इस बात का अनुभव आप सबने किया होगा, ये तो शास्त्र की परंपरा है, शास्त्र कह रहा है, बनाने वाले ने अगर भोजन को प्रेम से नहीं बनाया है तो उस भोजन में स्वाद नहीं मिल सकता है, पाने वाले को स्वाद बिगड़ जाएगा उसका, सामग्री वही रहेगी, बनाने का तरीका वही रहेगा, लेकिन स्वाद बिगड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि बनाते समय भाव में अंतर आ गया, भाव में अंतर आ गया। जब अयोध्या से प्रधानमंत्री जी चले थे तमसा नदी के तट पर, भाव कुछ और था, और तमसा नदी के तट से गंगा नदी के तट तक पहुंच रहे हैं तो भाव कुछ और है, अभिमान आ गया। बोलो आ गया अभिमान कि नहीं? गुमान गोविंद भावत नहीं, भगवान को अभिमान पसंद नहीं है। भगवान ने कहा अब मैं आपके साथ नहीं जाना चाहता हूं, आप रथ ले जाइए और वापस जाइए। मैं कहां जाऊं? अयोध्या वापस जाइए, अयोध्या। सुमंत जी गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे, बिलखने लगे और रोते रोते पृथ्वी पर गिर पड़े। राम, कोई भूल मुझसे हो गई हो तो मैं क्षमा मांगता हूं, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे कोई भूल। कहे महाराज कोई भूल नहीं आपसे, हम ही से भूल हुई जो हम आपके साथ चले आए, आपसे कोई भूल नहीं हुई, हम ही से भूल हुई है जो मैं आपके साथ चला आया, आपसे कहां भूल हो सकती है, आपसे भूल नहीं, मुझसे भूल हुई। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। गोस्वामी जी कहते बरबस राम, बरबस माने जबरदस्ती, बरबस राम सुमंत पठाए, सुर सरी तीर आप तहियाए, बरबस राम सुमंत पठाए, सुर सर तीर आप तहियाए। बरबस मानी जबरदस्ती,
पर बस जबरदस्ती भेजा, नहीं जाइए जाइए जाइए, जाना नहीं चाहते प्रधानमंत्री जी, लेकिन बार बार जबरदस्ती भेज रहे, जाइए जाइए जाइए। घोड़े नहीं वापस जाना चाहते अयोध्या, पशु, ये घोड़े जो है अयोध्या की ओर देखना ही पसंद नहीं कर रहे। सुमंत जी को विवश कर रहे हैं भगवान, लेकिन पशुओं को कैसे विवश करेंगे बोलो। लेकिन घोड़े नहीं जाना चाहते, सुमंत जी ने बहुत प्रयास किया, आगे बढ़ाए रथ। हा क्यों है राम तन हेरी हेरी नाय, बार बार राम जी की ओर देख रहे हैं, हिनहिना रहे हैं, आंसू गिर रहे हैं, जाना नहीं चाहते अयोध्या, घोड़े नहीं वापस जाना चाहते। जासु वियोग बिकल पशु ऐसे, 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 प्रजा मातु पितु जीहिं कैसे, प्रजा मातु पितु जीहिं कैसे, प्रजा मातु पितु जीहिं कैसे, प्रजा मातु पितु जासु वियोग बिकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे। पशु पक्षी भी प्रेम करते हैं राम से, बोलो करते हैं कि नहीं। मैं कहता हूं राम दूर तुमको दिखाई दे रहे हैं, दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, दूर लग रहे हैं, अनुभव कर रहे हो कि राम दूर है, लेकिन राम का नाम तो दूर नहीं है, राम का नाम दूर नहीं है, राम दूर है, दिखाई नहीं दे रहे हैं, राम का नाम तुम्हारे पास है लेकिन तुम पकड़ नहीं रहे हो। राम के नाम को पकड़ लो, इंसान की बात छोड़ो, पशु पक्षी भी तुमसे प्रेम करने लगेंगे, ये रामचरितमानस का डिमडिम नाद है। इंसान की बात छोड़ो, पशु पक्षी भी प्रेम करेंगे। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मात पित जी हैं कैसे। लेकिन भगवान की माया, भगवान ने अपनी माया के कारण उन घोड़ों को आगे बढ़ा दिया, रथ आगे बढ़ रहा है। बार बार सुमंत जी देख रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन भगवान का इशारा है तो रथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन विचार यह करना है राम कथा प्रेमियों, ये विचार करना है कि प्रधानमंत्री को भगवान ने वापस कर दिया, बोलो वापस किया कि नहीं किया, किसे किया, प्रधानमंत्री को। लेकिन प्रसंग ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री को वापस किया लेकिन मजदूर को बुला रहे हैं अपने पास, क्यों, प्रधानमंत्री को दूर कर रहे हैं और मजदूर को बुला रहे हैं। सीधी सी बात यह है कि अभिमान यदि आ गया किसी के जीवन में तो चाहे प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, भगवान दूर कर देंगे। और यदि निराभिमानता आपके जीवन में है, भले ही आप मजदूर क्यों ना हो, विपन्न क्यों ना हो, आप राम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन राम आपको खोजता खोजता आपके पास पहुंच जाएगा, यह प्रमाण मिल रहा है। राम खोजता खोजता आपके पास आ जाएगा, बोलो आ जाएगा कि नहीं, और यही प्रमाण मिला कि नहीं मिला, बोलो भाई, यही प्रमाण इस प्रसंग में मिला है। वो मजदूर बेचारा कहां पहुंचता राम के पास, उसकी औकात क्या, उसकी ताकत क्या, लेकिन राम खोज रहे हैं उसे, कहां है वो, निराभिमानी है कहां, खोज रहे हैं उसे, देख रहे हैं। प्रमाण क्या है, तुलसी जिनके पद पंकज ते प्रगति तटनी जो हरे अघ गाढ़े, ते प्रभु या सरिता तरवे को मांगत ना वो करारे उठाड़े,
भगवान गंगा के किनारे जो मिट्टी का ढेर था, पहाड़ था, करार थी, उस पर चढ़ गए और चढ़ गए और खोज रहे हैं केवट कहां है, मजदूर केवट है कहां, उसको खोज रहे हैं। आप कल्पना करिए साथ में हमारे सेवक हों और हम स्वयं खोजते फिरें, व्यवस्था देखते फिरें, बोलो भाई, तो ये अफसोस की बात है कि नहीं? अफसोस की बात है। सेवक जब साथ में है तो सेवकों का काम है ये सब, खोजने का, ताकने का, व्यवस्था बनाने का काम सेवकों का। लेकिन लक्ष्मण जैसा सेवक जो सेवा का संकल्प लेके आया है, भगवान ने लक्ष्मण को आदेशित नहीं किया और लक्ष्मण जी ने प्रयास किया तो भगवान ने रोक दिया कि तुम्हारा प्रयास निरर्थक चला जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा, इसलिए प्रयास मत करो, मैं स्वयं खोजूंगा। तो बोलो भाई, लक्ष्मण को भेजा केवट की तलाश के लिए कि स्वयं तलाश कर रहे हैं? बोलो, स्वयं तलाश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अच्छा भाई, सुमंत जी को वापस किसने भेजा है? भगवान राम ने। और केवट को खोज करके अपने पास किसने बुलाया है? प्रभु राम ने बुलाया है। सुमंत जी प्रधानमंत्री हैं और केवट मजदूर है। केवट क्या है? मजदूर। बहुत काल हम कीन मजूरी, आज दीन विद बनभल पूरी, बहुत काल हम कीन मजूरी। अच्छा बोलो भाई, प्रमाण मिल गया कि नहीं मिल गया? मैं मजूरी करता हूं, केवट स्वयं कह रहा है मैं मजूरी करता हूं। मजूरी मानी मजदूर, अपने आप को घोषित कर रहा है कि मैं मजदूर हूं, मजूरी करता हूं। सावधान, भगवान तलाश रहे हैं। मांगत नाओ, सारी दुनिया भगवान से मांगती है, लेकिन आज भगवान भक्त केवट से मांग रहे हैं। बोलो, मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं? दाता एक राम, भिकारी सारी दुनिया। लेकिन गोस्वामी जी कह रहे हैं गीतावली, कवितावली, तुलसी जिनके पद पंकज ते प्रगति तटनी जोहरे यज्ञ गाढ़े उत्ते प्रभु या सरिता तरवे को मांगत नाव करारे उठाणे। भगवान स्वयं नाव मांग रहे हैं, भैया केवट आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और याद रखना, केवट कहता क्या है? अभिमान नहीं है ये, ऐसा मत मानना कि केवट में अभिमान है इसलिए अकड़ मकड़ रहा, ना ना ना, ऐसा नहीं है। केवट कहता क्या है? केवट ये कहता है कि आप मुझे क्यों बुला रहे हैं? भगवान ने कहा मुझे पार जाना है, इसलिए मुझे गंगा पार कर दो। तो केवट कहता है कोई जरूरी नहीं है कि आप नाव में बैठ के ही पार जाओ। क्यों भाई, जब नदी पार करनी है तो नाव की तो जरूरत ही पड़ेगी। केवट कहता है मैं इस मर्म को जानता हूं, जिस घाट पर आप खड़े हो वहां गहराई है, एक ऊपर घाट है वहां गहराई है ही नहीं, कमर कमर से जल है, आराम से पार हो जाओगे, नाव आओ की जरूरत ही नहीं है, क्यों परेशान हो रहे हो? यही घाट ते थोड़े के दूरी है, तुलसीदास जी कह रहे हैं भाई, यही घाट ते थोड़े के दूरी है, कटिलो जल आए दिखाई जू, यही घाट ते थोड़े के दूरी है, कटिलो जल कटिलो जल थाहे दिखाइयो जू, कटिलो जल यही घाट से थोड़ी दूर है, कटिलो जल कमर कमर से जल है, आराम से आप पार हो जाओगे, नाव की जरूरत नहीं, नाव के चक्कर में मत पड़ो। अच्छा बोलो भैया, निर्मल अंतःकरण वाला है कि नहीं? नहीं तो धंधा करने वाले लोग धोखा ज्यादा देते हैं, समझ गए हो कि नहीं? धोखा ज्यादा देते हैं धंधा करने वाले लोग, याद रखना। हाँ देखो भाई, बुरा मत मानना, नहीं तो धंधा करने वाले लोग का महाराज कैसी बात कर रहे हैं, क्यों धोखा देते हैं? आपसे मैं पूछ रहा हूं, नाव चलाता है, अगर सभी यात्रियों को ये मर्म बताने लगे केवट के आगे के घाट से कमर कमर से जल है, नाव की जरूरत नहीं है, वहीं से पार हो जाओ, तो ईमानदारी से बताओ नाव चलेगी उसकी? फिर कैसे गुजारा करेगा, कैसे पेट पालन होगा उसका, सोचो जरा। लेकिन बात तो यह है कि यथार्थ बोल रहा है, वो कह रहा है कि परेशान मत हो,
आगे एक घाट है, कमर कमर से जल है, आराम से पार हो जाना। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ऐसा है, ये मजदूर तो है लेकिन मूर्ख भी है। भगवान बोले कैसे? कह देखो तो, कहता है आगे एक घाट है उसमें कमर कमर से जले, या तो ये झूठ बोल रहा है। भगवान बोले ये झूठ नहीं बोल रहा है, सत्य कह रहा है। तो अगर सत्य कह रहा है तो आप उसके चक्कर में क्यों पड़े हो? चलो आगे के घाट से कमर कमर से जल है तो आराम से पार हो जाएंगे, नाव के चक्कर में ही मत पड़ो। भगवान ने कहा लक्ष्मण तुम नहीं जानते हो, अगर घाट पर आ जाए कोई तो उस घाट की मर्यादा रखनी चाहिए, और जिस घाट पर नाव लगी हो उस नाव की भी मर्यादा करनी चाहिए। बोलो करनी चाहिए कि नहीं करनी? ये धर्म कहता है, याद रखना ये परम धर्म है। इसलिए यात्रा तभी सफल होगी, गंगा की मर्यादा तभी सुरक्षित होगी, नाव नाविक की महिमा तभी बढ़ेगी जब उसकी नाव को लोग स्वीकार करें, उस घाट की महिमा तभी बढ़ेगी जब उस घाट की नाव को लोग स्वीकार करें। भगवान श्री राम बोलो सबकी महिमा बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं बढ़ाना चाहते हैं? भगवान ने कहा इसलिए ऐसा नहीं है कि कमर कमर से जल है तो हम लोग वहां से पार हो जाएं, नहीं, इसी घाट से जाएंगे, इसी नाव में बैठ के जाएंगे, यहीं से पार होंगे। लक्ष्मण जी ने कहा आपके मन की बात है केवट, जल्दी आओ नाव ले आओ मुझे पार करो। केवट कहता है देखो हमारा मूड नहीं है ठीक है, मूड ठीक नहीं है। मूड ठीक नहीं है हमारा, क्यों, क्या बात है? बात यूं ही है, इसलिए आपसे कह रहे हैं आप चक्कर में मत पड़ो, आगे आप चले जाओ आराम से पार हो जाओ। अच्छा एक दूसरी नाव भी दिखाई दी तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया इसकी नाव का चक्कर छोड़ो, एक नाव और है, उस नाव में वाले से बात की जाए। भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, जिससे मैं बात कर रहा हूं उसी की नाव से पार जाना है। नाव तो बहुत है, नाविक भी बहुत हैं, लेकिन संबंध जिससे है उससे बात होगी। समझ गए हो कि नहीं? संसार में लोग बहुत हैं लेकिन जिनसे भगवान का संबंध है, वो भगवान जिनसे अपना संबंध बना चुके हैं उन्हीं से बात होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी? इसलिए मैं कहता हूं मानिए सवई राम के नाते, तुम लोग भगवान से जुड़ जाओ, भगवान से अपना संबंध बना लो, भगवान तुम्हें खोजता फिरेगा। बोलो खोजता फिरेगा कि नहीं? संबंध किससे बनाना होगा तुम्हें? भगवान से बनाना होगा, भगवान खोजता फिरेगा। उल्टा हो रहा है, तुम भगवान को खोजते फिर रहे हो, इसलिए खोजते फिर रहे हो कि तुमने संबंध अभी ठीक से बनाया नहीं है। संबंध बना लोगे तो भगवान खोजेगा। केवट ने संबंध बना लिया है प्यारे, पहले से ही बना लिया है। भगवान ने कहा केवट तुम्हारी नाव में बैठ के ही पार जाएंगे, तुम्हारी नाव लाओ जल्दी। एक बात मैं आपसे कह रहा हूं, जब रावण सोने का रथ लेके आया श्री राम के सामने लंका के सम्रांगण में, तो विभीषण जी ने एक बात कही थी कि महाराज ये राजा है, इसके पास सोने का रथ है, ये सोने के रथ पे बैठकर युद्ध करना चाहता है, लेकिन मेरी आपसे एक प्रार्थना है, आप भले ही वनवासी हैं अयोध्या से रथ नहीं मंगा सकते हैं, लेकिन देवताओं को सुखी करने के लिए आप युद्ध कर रहे हैं तो आप इंद्र से तो रथ मांग ही सकते हैं, इंद्र से रथ, और इंद्र का धर्म कहता है कि रथ भेजना चाहिए, इसलिए आप इंद्र से रथ मांगिए। भगवान ने कहा नहीं नहीं मैं नहीं मांगूंगा। तब तक देवताओं ने आपस में चर्चा की और कहा महाराज विभीषण कान भर रहा है राम जी के, कहीं मूड अगर बदल गया और वापस हो गए तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए रथ भेज दो, स्वर्ग से रथ भेजो। इंद्र बोला हम रथ तो भेज ही दें, और कहें तो हमारे पास दशरथ है, हम दशरथों को भेज दें। रथ की बात छोड़ो, आप कहो महाराज दशरथ राम राम कह, राम कह राम राम कह राम, तन पर हर रघुवर बिरह राव गए सुर धाम, सुरधाम मानी स्वर्ग गए। बोलो गए दशरथ जी स्वर्ग के नहीं? तो इंद्र ठीक तो बोल रहा है कि रथ भेज दें, कहो दशरथों को भेज दें, रथई पे बैठा दें दशरथ को, चले जाओ हैं, तो रथ भी मिल जाएगा और पिताश्री भी मिल जाएंगे, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन हमारी अपनी इज्जत है प्रतिष्ठा है, थोड़ी सी सूचना तो पहुंचाए, एक सूचना पहुंचा दें कि
श्रीमान इंद्र जी एक रथ की अविलंब आवश्यकता भेजिए, तो मैं तुरंत रथ भेज दूंगा। अच्छा, भगवान ने कहा समझ में बात आ रही, ये अभिमानी है, ये सम्मान चाहता है, ये अभिमानी हो गया, ये सम्मान चाहता है। सावधान, मैं धर्म की रक्षा करने के लिए, धरित्री को स्वतंत्र करने के लिए, मैं बिना परित्राण के, बिना छाया के, बिना रथ के युद्ध करूंगा, लेकिन अभिमानी इंद्र से मैं रथ नहीं मांगूंगा।